एक दिन मैं किसी रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था, मुझे आईएएस जौहर मिले और उन्होंने पूछा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, ना पैसा है, ना एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है, मैं कर ही क्या सकता। तब आईएएस जौहर ने मुझे एक स्टोरी बताई जो मुझे अच्छी लगी। ये स्टोरी मैंने लाहौर के गौतम दास अग्रवाल को सुनाई। गौतम दास अग्रवाल बोले, स्टोरी अच्छी है, मैं पैसा लगाने के लिए तैयार। मैंने शुक्रिया कहा, फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर तलाशने की बात भी कही। तब गौतम दास अग्रवाल ने कहा, नहीं, मैं पैसा तब लगाऊंगा जब फिल्म को तुम ही डायरेक्ट करोगे। मैंने कहा, मैंने स्टूडियो का मुंह तक नहीं देखा, कभी किसी का असिस्टेंट नहीं रहा, और आप कहते हो फिल्म बना दो। तब गौतम दास अग्रवाल ने कहा, देखो चोपड़ा, ये रहा 50,000 रुपया, बनाना है तो बना लो, नहीं तो भूल जाओ। फिर मैं फिल्म बनाने के लिए राजी हो गया और इस तरह से बनी साल 1951 की फिल्म अफसाना, जिसके बाद बॉलीवुड को मिला एक ऐसा फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिसने अपनी पहली फिल्म से बता दिया था कि वो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं और वो फिल्मों के जरिए समाज में कोई ना कोई संदेश देना चाहते, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा हो या फिर कलर, सोलो हीरो की फिल्म रही हो या फिर मल्टी स्टारर, फिल्म मैगजीन, बड़ा पर्दा या फिर टीवी, इन्होंने बदलता हुआ हर दौर देखा और सभी में ये अव्वल रहे। आज कहानी बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलने के शौकीन रहे बलदेव राज चोपड़ा यानी बीआर चोपड़ा, जिन्होंने समाज के हर मुद्दे को अपनी फिल्मों में बड़ी बेबाकी से उठाया। 22 अप्रैल साल 1914 पंजाब के राहों में बीआर चोपड़ा का जन्म। पढ़ाई में अच्छे थे, लाहौर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। पिता विलायती राज चोपड़ा जो एक सरकारी अफसर थे, चाहते थे कि बेटा भी बड़ा सरकारी अफसर बने। बीआर चोपड़ा ने आईसीएस की परीक्षा की तैयारी भी की, पर पेपर के दौरान तबीयत बिगड़ गई, फेल हुए तो खूब रोए। पिता ने कहा, लंदन जाकर तैयारी करो, पर बीआर चोपड़ा ने मना कर दिया। साल 1944 में सिने हेराल्ड फिल्मी मैगजीन में बतौर फिल्म जर्नलिस्ट करीब 3 साल काम किया। अपने आर्टिकल में वो फिल्म मेकर्स को सोशल इश्यूज पर फिल्म बनाने की सलाह देते, पर एक दिन वो खुद ही फिल्में बनाने लगे। वजह बना साल 1947 का बंटवारा, जब उन्हें लाहौर से जालंधर अपने पैतृक गांव आना पड़ा। बीआर चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पिताजी के कुछ दोस्तों ने फिल्म बनाने की सलाह दी, उन्होंने पैसा लगा दिया और इस तरह से हम बॉम्बे आ गए। हम 5 पार्टनर थे, फिल्मों को लेकर हमारे विचार अलग अलग थे। वो कहते, जो चल रहा है वो बनाओ, मैं कहता कि कुछ अलग बनाते। पड़ला उनका भारी रहा। ऐसे साल 1949 की फिल्म करवट बनी जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर एक्टर, डायरेक्टर और राइटर आईएएस जौहर का साथ मिला तो साल 1951 में एक्टर अशोक कुमार के साथ फिल्म अफसाना बनाई। जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो बीआर चोपड़ा की पत्नी प्रकाश चोपड़ा बेहद डरी हुई थी। उन्होंने बताया, मैं तो फिल्म के प्रीमियर पर ही नहीं गई। मैंने कहा, लोगों ने आपके ऊपर अंडे फेंकने, लेकिन एक ही हफ्ते में पता लग गया कि फिल्म सुपर डुपर हिट। बीआर चोपड़ा समाज को पारिवारिक और साफ सुथरी कहानियों वाली फिल्म परोसना चाहते थे। साल 1957 की फिल्म नया दौर में इंसान और मशीन के काम के अंतर को दिखाया। बीआर चोपड़ा ने औरतों के अन्याय के मुद्दे को लेकर भी बिना डरे फिल्में बनाई, चाहे वो साल 1955 की एक ही रास्ता में विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा हो, या साल 1980 की इंसाफ का तराजू में नारी शोषण, या फिर साल 1982 की फिल्म निकाह में मुस्लिम औरतों के साथ दुर्व्यवहार। साल 1959 की फिल्म धूल का फूल से अपने छोटे भाई यश चोपड़ा को बतौर डायरेक्टर मौका दिया और एक ऐसी औरत की समस्याएं और यातनाओं को दिखाया जो बिना शादी के मां बन जाए। बीआर चोपड़ा ने साल 1965 की वक्त हो या फिर साल 1980 की द बर्निंग ऑफ ट्रेन, ये मल्टी स्टारर फिल्मों बनाने का भी चलन शुरू कर दिया। बीआर चोपड़ा हमराज, इत्तफाक, धुंध, गुमराह, आवाम जैसी थ्रिलर फिल्में तो बनाते ही हैं। साल 1976 की छोटी सी बात हो या फिर साल 1978 की पति पत्नी और वो, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी बड़े ही कॉमिक अंदाज में दिखाते हैं। बीआर चोपड़ा वो बना गए जो शायद ही कोई दोबारा बना पाए। साल 1988 का टीवी सीरियल महाभारत, जब घर में लोग शांति से बिना सांस लिए एक टीवी पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते, सड़क सूनी हो जाती थी, उनका कमाल ही था कि महाभारत के हर किरदार को लोग सच समझ बैठे थे। बीआर चोपड़ा ने प्रकाश चोपड़ा से शादी की, 3 बच्चे हुए जिसमें से एक डायरेक्टर रवि चोपड़ा हैं, जिन्होंने साल 2003 की बागवान जैसी फिल्म को
डायरेक्ट किया। साल 1960 में नेशनल अवार्ड, साल 1961 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल और फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। साल 1998 में दादा साहब फाल्के और साल 2001 में पद्म भूषण से नवाजे गए। साल 2003 में फिल्म फेयर से लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान पाने वाले बी आर चोपड़ा ने 6 दशकों तक फिल्में बनाई और 5 नवम्बर साल 2008 94 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। बी आर चोपड़ा की साल 1961 की फिल्म धर्मपुत्र में साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा जो दशकों बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।